जय जिनेन्द्र बंधु। भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ के कल्याणकों से पावन पवित्र भूमि सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर में बन रही श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 11वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्रीणमुकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य आप प्रतिदिन देख रहे हैं, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमुकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद सम्पन्न हो रहा है। आयोजन के 11वें दिन सानंद संपन्न होने के बाद 12वें दिन यानी 13 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे और सभी पुरुषों ने पूर्ण भक्ति भाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज से शांति धारा संपन्न कराई। निशनो निस्तंको सुद्धो सूक्ष्म निरंजना निष्कलंको नरालंब नरोत्तमा निर्वायु निरंकारु निर्वकारु नुक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निरम शिवा निस्तंको निराकारु निष्कारु नक्राव्रभु निर्वाधो निर्वज्ञानी निराग जिनानी शब्दो प्रथमा श्रेष्ठोत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नैचका सर्वरदान गो महाभूतात्मा जगर सगर शीघ्र निःशब्द गुण संपन्न पाप्ता पापनाशना शोभिवम शिवम प्राप्त कर्मा दूता बलवा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। हे भाई, तुम अपने जीवन में चिंताओं से विश्रांति ले। सारा जगत चिंताओं में डूबा हुआ है। उस चिंता को चिंतन में बदल दो। कन्ना कधन्ना कुछ नहीं बताते हैं कि तुम अपना जो मन चिंता में लगाए हुए हो, चिंता से जोड़े हुए हो, घर की बाहर की परिवार की जो चिंता करते रहते हो तुम, चिंता से कभी काम नहीं होता है। चिंता को चिंतन में बदल कर क्या करो, जो नर चिंता वश करें ते मानव नहीं सिद्ध। बाहर में मनुष्य पर्याय अवस्था में है, दिख रहे हैं, परंतु सिद्ध परमात्मा का चिंतन करते हैं, जितने काल करते हैं, जितने समय करते हैं, उतने समय वे मानव होते हुए भी सिद्ध के सादृश्य अपने जीवन में ऐसा चिंतन, मानव नहीं भी सिद्ध हैं, ऐसा अपने जीवन में चिंतन करो कि मैं अष्ट गुणों से युक्त, कर्मों से रहित सिद्ध सादृश परमात्मा हूँ। कल आपने देखा था, जैसे छोटी सी औषधि शरीर के एक एक परमाणु में व्याप्त होकर रोग को नष्ट कर देती है, बीमारी को अलग कर देती है, एक एक नस का दर्द दूर कर देती है, ऐसे ही सो हम ये छोटा सा मंत्र, नमोकार मंत्र हमारे जीवन में वह शांति ला देता है। अर्थात असंख्यात कर्मों की जब हम चिंतन करते हैं, अपनी मन को चिंतन में ढाल देते हैं, तो हमारे कर्म की जैसे ही एकाग्रता होती है, ध्यान रूप परिणमित होता है हमारा ज्ञान, तो हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक चिंगारी बहुत बड़े ढेर को, रुई के ढेर को समाप्त कर देती है। ऐसे ही हमारे एकाग्रता, एक क्षण की एकाग्रता
असंख्यात कर्मों की निजरा कर देती है, हमारे जीवन में शांति और सुख ला देती है। ऐसा चिंतन करते हुए अवनमो आयरियाणम आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। वे आचार्य कैसे हैं आज वर्तमान में, जो वायु अभ्यंतर परिग्रह से अर्थात 14 अंतरंग परिग्रह मिथ्यात आदि कषायें और धनधान आदि 10 बाह्य प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं, और वे सदा अपने आत्म ध्यान अर्थात शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। कदाचित रागांश के होने पर और करुणा बुद्धि होने पर भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, जो दीक्षा लेने की जिनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हुई है उन्हें योग जानकर उन्हें दीक्षा देते हैं, अपने दोषों को प्रकट करने वाले करते हैं, उनको प्राश्चित देकर उनके व्रतों को शुद्ध करते हैं। ये 36 गुणों से युक्त होते हैं, पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। इन पंचाचार्य आचारों का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को जो पालन कराते हैं धीर होते हैं, समुद्र की तरह पृथ्वी की तरह समता धारण करने वाले होते हैं, और जो सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। जाति कुल देश कुल जाई शुद्धा, देश कुल और जाति जिनकी शुद्ध होती है वे ही आचार्य होते हैं। ज्ञान और चारित्र में की अधिकता होने से जो संघ के नायक हुए हैं, वास्तव में आज हमारे सामने सिद्ध परमात्मा बोलते नहीं, अरहंत साक्षात है नहीं, और जो स्थापना है अरहंत की वह भी बोलती नहीं है। यदि जीवन में कोई उपदेश और सहयोग देने वाला है, सहारा देने वाला है, तो वह गुरु। यदि कोई रास्ते में चलते हुए कोई साथी हो तो हमारा कितना दुर्लभ रास्ता हो वह सुगम और सहज हो जाता है बोलने वाला यदि साथ में हो। ऐसे ही यह संसार अथाह सागर में वह नौका के सादृश हैं। आचार्य महाराज पहले समय सार में आया है, दीक्षा के पहले उस भव आत्मा को शिक्षा देना चाहिए। 404 गाथा में आया है समय की सार की, पहले शिक्षा फिर दीक्षा बाद में भिक्षा, अर्थात ज्ञान पहले कराना चाहिए साधु को, पहले ज्ञान देना चाहिए उस भव आत्मा को। पहले बच्चा होता है तो उसे स्कूल भेजते हैं तो वह अक्षर का ज्ञान सीखता है, फिर वह भाव सीखता है अर्थात उस शब्दों का भाव सीखता है, फिर पूर्ण ज्ञान अध्ययन करके फिर उसे स्नातक की
दीक्षा दी जाती है। ऐसे ही वह ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी गुरु के चरणों में जाकर विधिवत ज्ञान अध्ययन करना चाहिए। ज्ञानात शांति, ज्ञान से ही शांति होती है। जीवन में ज्ञान से ही शांति प्राप्त होती है। जब तक ज्ञान होता है तब तक शांति होती है और अज्ञानता दुख का कारण होती है। ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से ही कर्म की निद्रा होती है और निद्रा मोक्ष में कारण होती है। ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज कहते थे कि अज्ञानी के गुरु मत बनना, ज्ञानी गुरु के शिष्य बन जाना। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। 12वें दिन भी अनेकों परिवारों की ओर से विधान किया गया। सभी उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भाव पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो अच्छायाणम, ओम नमो लोई सब सौण। अरे बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। ओम रीम श्री अनादि निर्मूल मंत्र नमः अवतरोतर शंभो शक्तिस्यावन। आचार्य भगवान कुंदकुंदाचार्य ने नियम सार में बहुत अच्छी बात कही है। भक्ति मुक्ति की कुंजी है। महान भाव जिनेंद्र प्रभु के चरणों में आने से आत्मा में वो आनंद आता है। वह आनंद ही हमें परमानंद की ओर ले जाएगा। ये जिन बिंब लोगों की नजर में पाषाण के हो सकते हैं, लेकिन ये पाषाण से भगवान कैसे बनते हैं? शब्द में वह शक्ति होती है। महानुभाव अतुल्य शक्ति शब्द में। आप किसी प्रेम से बोल दो, आइए भाई साहब बैठिए, ओहो कितने अच्छे आदमी हो। और कहीं बोल दो, अरे रे ते करके बोलते ही उसका दिमाग फिर जाएगा। महानुभाव वह शब्द ही अंधे के कारण महाभारत हो गई, रामायण हो गई। सारी दुनिया में झगड़े की अगर प्रसाद है तो वो शब्द है। अगर शब्द को आपने संभाल लिया तो तुमने पूरे जहां को संभाल लिया। ऐसे ही जब शब्दों को मन से संगठित करके वो किसी पाषाण पर आरोपित कर दिए जाते हैं तो वह पाषाण भगवत बन जाता है। और इसमें इतनी शक्ति होती है जैसे जीवंत वस्तुओं में, जीवंत देवों में शक्ति होती है, जीवंत भगवान में शक्ति होती है, उसी उस पाषाण में शक्ति आ जाती है। और उस शक्ति के माध्यम से आप वहां बैठ करके अपने पापों को छार छार कर सकते हैं। निकत्ति निकाचित कर्म भी जो किसी तप व्रत नियम संयम से नहीं कटते हैं वो मात्र जिनेंद्र भक्ति से कट जाते हैं। महान भाव ये नमोकार महामंत्र की वो आराधना है जिसने जीवन में कर लिया वह जीवन में अपने समस्त पापों को क्षय करके निश्चित ही मुक्ति वधु को भरेगा, मुक्ति लक्ष्मी को पाएगा। महान भाव इस हस्तिनापुर की पावन धरा पर जहां पर ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि पर, और ये कहां पर स्थित है आपको पता नहीं, पांडवान के बन पर सड़क के स्तब कौरवान है, ये पांडवान का पहला मंदिर है। और यहां पर तीन धर यादनाथ भगवान के चरण है। तिजारा जैसे चंदा प्रभु की छवि वाले यहां पर चंदा प्रभु भगवान है और
पारे के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, महान भाव। चारक संहिता में कहते हैं अगर पारा के दर्शन हो जाएं सुबह सुबह तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और पारे के भगवान का अभिषेक पूजन कर लो तो आपका क्या होगा महान भाव। आप आइए यहां और परम भक्ति का आनंद लेकर अपने कर्मों से और अपने पापों से मुक्ति पाइएगा। यह धरा अति पुण्यशाली है, सुंदर सुंदर भव्य जिनालयों से और सुशोभित जिन ध्वजाएं जो फहरा रही हैं इस पर, वो आपको बुला रही हैं। आओ भैया हस्तिनापुर आओ और नमोकार मंत्र के विधान करके अपूर्व आनंद उठाओ। मैं आप सबका इसी भावना से आमंत्रित करता हूं इस विधान पर आकर के, और अपने कल्याण कीजिए। बोलो परमेष्ठी भगवान की जय। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आप भी हस्तिनापुर पहुंचे और कम से कम एक विधान तो अवश्य कराएं। जय जिनेंद्र।